हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर SPPU पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग SPPU पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है और जिसका ब्रांच मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए बेटा, एक बात आप समझिएगा, फर्स्ट ईयर जब आपने पढ़ा तो फर्स्ट ईयर कॉमन था, मतलब आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे, फिजिक्स भी पढ़ रहे थे। लेकिन अब अगर देखा जाए ना बेटा, तो आपकी जो इंजीनियरिंग है ना, वो थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होती है। क्यों बेटा? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर से अब आप अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़ोगे, मतलब जो आपका ब्रांच है, अब अपने ब्रांच के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो आप पढ़ोगे। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है बेटा, चलिए अब एक बात और आप समझिएगा कि पूरे इंजीनियरिंग में आपका थर्ड सेमेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो बेटा, यहां पर आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे ना, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे बेटा, वो आपके बेसिक सब्जेक्ट होंगे। मतलब अगर आप अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे जब आप फोर्थ में जाओगे, फिफ्थ में जाओगे, तब आपको वहां पर दिक्कत होगा। तो एक बात आप समझना कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ते हो तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा। आप यहां पे जो ज्यादा समय दोगे, जब आप फोर्थ में जाओगे, फिफ्थ में जाओगे, तो आपका समय बचेगा और आप स्ट्रगल नहीं करोगे। ठीक है बेटा, चलिए तो सिलेबस में आते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखिए बेटा, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका सॉलिड मैकेनिक्स। जैसे आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था ना बेटा, उसी तरीके से आपका सॉलिड मैकेनिक्स है। और ये आपका प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। प्योर न्यूमेरिकल मतलब आपको यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप मैकेनिक्स में कर रहे थे। और मैकेनिक्स से एक लेवल ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहने वाला। तो सॉलिड मैकेनिक्स आपके इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी से फिर आपका मशीन डिजाइन वगैरह सब्जेक्ट है तो वो निकलेगा बेटा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, तो ये आप समझो कि आपसे इसका पेपर भी क्लियर नहीं होगा। इसका इनसेम भी इंपॉर्टेंट है, इसका एंडसेम भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस वास्ट है बेटा। तो आपको इस वाले सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है आपका सॉलिड मैकेनिक्स, प्योर न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर आप इसका क्लास करना चाहते हो, मेरे पास इसका कोर्स अवेलेबल है 799 में। मैं इसके डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, है ना, आप जाके डेमो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप पूरा कोर्स कर सकते हैं। तो ये वाला सब्जेक्ट का झमेला खत्म हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो सॉलिड मॉडलिंग है ना, ये इजी सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप सप्ताह में 3 घंटे भी देते हो, आपका काम बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इजी है, इसमें आप उतना परेशान मत होइएगा। आप अगर सप्ताह में 3 घंटे भी देते हैं, आपका काम इस वाले सब्जेक्ट में फिलहाल बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो एक आपका टफ हो गया, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे सब्जेक्ट में, वो है आपका इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो बेटा, बात समझना, जिस तरीके से सॉलिड मैकेनिक्स है उसी तरीके से आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट के साथ। इसमें भी क्या है बेटा, इसमें भी भर भर के न्यूमेरिकल है। तो मैं पता एक बात आपको बोलूंगा कि आप क्या करो, पहले YouTube में जाके सर्च करो थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे बेटा। तो आपको क्या करना है ना कि जो भी टीचर्स आपको मिले, सभी टीचर्स का कम से कम 4 से 5 लेक्चर देखो, अलग अलग टीचर्स के 4 से 5 लेक्चर देखो। जब आप अलग अलग टीचर्स के 4 से 5 लेक्चर देखोगे ना, तब आपको क्लियर होगा कि नियर कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है। और आप जिस टीचर से रिलेट कर पाओगे ना, उससे क्या करना, पढ़ना स्टार्ट कर देना। क्योंकि यहाँ पर जो पूरा गेम है ना बेटा, वो कंसेप्ट का है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, चाहे वो गेट एग्जाम का हो, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम का हो, तो उसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है बेटा। तो आपको क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, 3-4 दिन का समय आप दो। आप यूट्यूब में सर्च करो, बहुत टीचर्स आपको मिलेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रखे हैं। आप क्या करो, अलग अलग टीचर्स के 3 से 4-5 लेक्चर अटेंड करो, आपको जो टीचर फिर अच्छा लगता है उसको आप आगे लेके चलो। और एक बात समझना, सिलेबस कवर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वही है बेटा कि ये आपका कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट अ बिग सब्जेक्ट, इट इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए तो इसमें जो तरीका मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान देना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। चलिए उसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। देखो बेटा एक बात समझना, अगर आपका फोकस गेट एग्जाम के लेकर है कि नहीं, आपको आगे चल के गेट एग्जाम क्रैक करना है, तब जाके क्या करना, आप इस वाले सब्जेक्ट को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना। इसके जो भी टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक को क्या करना, आप यूट्यूब में सर्च करना और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना।
यहाँ मैंने पूरा थर्मोडायनेमिक सर्च करने को बोला है बेटा, इसमें क्या करना, आप टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से लगे उसका आप नोट्स बना लेना, क्योंकि ये आपका मानकर चलो थ्योरेटिकल है बेटा, ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल है। लेकिन अगर आपका फोकस गेट एग्जाम है तो आप इसमें ज्यादा समय देना, और आपको लगता है कि नहीं आपको गेट वगैरह के लिए नहीं जाना है, तो आप इसको एज अ कैजुअल भी ले सकते हो, ज्यादा हार्ड ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब देखो ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये मुझे थोड़ा पसंद आया इसका सिलेबस देख के, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका ईवीस का जो कंसेप्ट है ना वो यहां पर अच्छे से डिस्कस किया गया, तो मेरे हिसाब से इस वाले सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हो कि नहीं यार, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको जानकर अच्छी लगेंगी, ईवीस वगैरह का जो कंसेप्ट है ना, बैटरीज में कैसे सर्किट वगैरह होता, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और आप सभी को पता है कि आगे फ्यूचर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का ही होने वाला, तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के बारे में अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखोगे तो आपको ईवी कंपनीज में जॉब करने के में क्या होगा बेटा, आसानी होगा, आपको जॉब आराम से मिल भी जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो कुल मिलाकर क्या है, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं, है ना, इस पिक्चर को आप अच्छे से समझ लीजिए कि बेसिकली आपके तीन मेन सब्जेक्ट्स हो गए, एक हो गया सॉलिड मैकेनिक्स, दूसरा हो गया थर्मोडायनेमिक्स, और ये आपका तीसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आपके मेन सब्जेक्ट हो गए, और ये आप आराम से भी पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा, बस ये आपको ध्यान देना है। सॉलिड मैकेनिक्स का कोर्स मैं करवा दे रहा हूं, तो इसके लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए तो जो बच्चा सिलेबस के लिए आया वो थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये सॉलिड मैकेनिक्स का है, यूनिट 1, 2, 3, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ इसका, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, जो भी डेमो लेक्चर्स हैं इनके, ठीक है बेटा। चलिए 5, 6, 6 यूनिट्स हैं टोटल, है ना, ये आपका सॉलिड मॉडलिंग का। आपका थर्मोडायनेमिक्स का है ना, बड़ा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये आपका, ओ माय गॉड, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट मैं सुधार देता हूं इसको। देखो जब गलतियां होती हैं ना, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, सुधार देता हूं इसको। ठीक, ये आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी, ठीक है, ये आपका 4, 5, 6, ये लास्ट आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यहाँ पे पूरा ईवीज वगैरह का कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, ठीक है ना, स्टार्ट डेट ये सब तो हो जाएगा, लेकिन इस सब्जेक्ट पर फोकस करना थोड़ा सा, ये डिफिकल्ट है, इतना इजीली ये होने नहीं वाला है ना। चलिए तो आप अच्छे मन से पढ़ना है, स्टार्ट कीजिए, तीन आपके मेन सब्जेक्ट है, उसमें आपको ज्यादा समय देना है, बाकी जो दो सब्जेक्ट उसमें अगर आप कम समय भी दोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो एक बार आप सॉलिड मैकेनिक्स का डेमो लेक्चर को चेकआउट कर लो, और अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर देना बेटा, शेयर कर देना, ठीक है। चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।